जय हिंद दोस्तों। आज 21 जून सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे ORP 3 से पहले सैनिकों ने ORP आंदोलन की घोषणा की है, इस पर बड़ी अपडेट है। और डायरेक्टर KSB ने काबिले तारीफ एक्शन लिया है, इस पोस्ट को ग्रांट जारी करने के लिए एक लिस्ट जारी की है, इस पर बड़ी अपडेट है। नायक की पेंशन, सिपाही की पेंशन 21,875 से कम नहीं होगी, रिकॉर्ड ऑफिस ने ये लेटर भेजा है, इस पर बड़ी अपडेट है। और स्पर्श ने फार्म 16 किए जारी, जल्दी करें डाउनलोड, फार्म 16 आ चुके हैं, इस पर बड़ी अपडेट है। और दो शहरों में रोजगार मेले DGR और जिला सैनिक बोर्ड की तरफ से आयोजित किए जा रहे हैं। 18 साल बाद इंसाफ मिला है, 25 लाख एरियर के साथ पेंशन का भुगतान होगा। जिला कोर्ट में LDC और वॉचमैन की एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी निकली हुई है, इस पर बड़ी अपडेट है। तो सबसे पहले हम पहली खबर पर बात करते हैं। ORP 3 मिलने से पहले पूर्व सैनिकों ने वन रैंक वन पेंशन पर आंदोलन करने की का प्लान बनाया है। और बता दें, पूर्व सैनिक संघर्ष समिति की बैठक रतनपुर में हुई है, जिसमें वन रैंक वन पेंशन के मामले में उन्होंने आंदोलन करने की धमकी दी है और कहा है कि हमारी मांगे ORP 3 में पूरी नहीं हुई तो हम आंदोलन ये लगातार जारी रखेंगे। ECHS की सुविधाएं बराबर होनी चाहिए, MSP बराबर होनी चाहिए, तो ये मांग उठ रही है। और बता दें, ORP 3 से पहले ये रैली की जाएगी। दूसरी वही बड़ी अपडेट है, एक्स सर्विसमैन ने राहुल गांधी जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया है। और बता दें कि अब पूर्व सैनिक भी राजनीतिक पार्टियों में फंस चुके हैं, कोई BJP का सपोर्टर बन चुका है और कोई कांग्रेस का, तो अब दो तरह के धड़े हो चुके हैं। और वही आंदोलन भी अब ऐसे हो रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है कि कौन से क्या मुद्दे हैं, किन सैनिकों के क्या मुद्दे हैं। तो आप देख सकते हैं, दो जीते जागते उदाहरण हैं। बात कर लेते हैं, एक बड़ी अपडेट आई है। डायरेक्टर सैनिक कल्याण विभाग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है 19 जून 2024 को, यानी कि परसों। इसमें कहा गया, समस्त जिला सैनिक बोर्ड कल्याण, यानी कि सभी जिला सैनिक बोर्ड को ये लेटर दिया गया है। फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द स्पोर्ट्स NOK ऑफ डिसीज ऑफ पर्सनल, जो भी डिसीज NOK और स्पोर्ट्स हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए है लेटर। एक लेटर एयरफोर्स की तरफ से भेजा गया था, उसके बाद इसका एक्शन लिया गया है। और बता दें कि एक्शन क्या लिया गया है। इसमें कहा गया है, निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूचना पट में लगाएं, यानी कि एक बोर्ड जो लिस्ट है इसको आगे लगाएं, जो भी जिला सैनिक बोर्ड है, ECHS है, CSD कैंटीन है, सब जगह पर इसको लगाएं, जिससे कि ये जानकारी सभी पूर्व सैनिक स्पोर्ट्स और एनओको को मिल सके। क्योंकि इसमें जो सुविधा है, फाइनेंशियल असिस्टेंट एनओको को मिलता है, एनओके को और स्पोर्ट्स को, तो वो सुविधा दी जाए। इसके लिए बता दें, पहले से भी लेटर लिखा जा चुका था, ये इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लेटर लिखा गया था, एसोसिएशन की तरफ से, उसके बाद इसका एक्शन लिया गया है। इसमें लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए कहा गया है, जो भी ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो डिसीज हैं उनको जो असिस्टेंट है, फाइनेंशियल असिस्टेंट, वो दी जाती है जिला सैनिक बोर्ड की तरफ से, तो उसका फायदा उठाएं अपने अपने जिला सैनिक बोर्ड से। अब बात कर लेते हैं, नायक की पेंशन कितनी होगी, रिकॉर्ड ऑफिस ने क्लियर किया है। बता दें, एक नायक की पेंशन सिपाही से कम नहीं होगी। आपको मैं बता दूं कि 2020 में 17 साल सिपाही या फिर 17 साल नायक रिटायर होके रिटायर होते हैं, तो उनकी पेंशन सिपाही की पेंशन से कम नहीं होनी चाहिए, जो प्रीमेचर भी नायक अगर रिटायर हो गए हैं। आपको मैं बता दूं, 21,325 ये नायक को पेंशन मिल रही है, लेकिन ये पेंशन सिपाही के पेंशन 21,875 के बराबर होगी। जो भी ऐसे नायक हैं जिनकी पेंशन कम आ रही है, वो अपने जो साथ के नायक उतने साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं, अगर उनका PPO मिल जाता है तो उनकी पेंशन करेक्शन हो जाती है। आपको अपने जो साथी हैं उनका अपना करेक्शन कराने के लिए उनके PPO होना जरूरी है, क्योंकि रिकॉर्ड में PPO मांगा जाता है कि उसी सेम सर्विस सेम लेंथ वाले PPO जरूरी होते हैं, तभी आपका करेक्शन किया जाता है। कई हवलदारों की पेंशन 25,050 रुपये नहीं आती है बेसिक, तो उनका करेक्शन करने के लिए आपको PPO अपने साथ के अपने ही रिकॉर्ड के जवानों का PPO होना जरूरी है।
अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट। पीसीडीए स्पर्श ने बड़ी अपडेट दी है, बता दें इसमें नोटिस जारी किया गया है, फार्म 16 ईयर 2024-23-24 विल बी अवेलेबल 20 जून 2024 को ये फार्म 16 आपका अवेलेबल हो चुका है, यानी कि कल ये फार्म 16 आने के लिए इसमें कह दिया गया है कि आपकी लॉगिन करके आप अपना फार्म 16 डाउनलोड करके आईटीआर भर सकते हैं और ये स्पर्श की वेबसाइट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आ रहा है कि आप फार्म 16 डाउनलोड कर सकते हैं। कल 20 तारीख थी, 20 तारीख को 20 जून को नहीं आया था, आज 21 जून को सुबह आप चेक कर लें। कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले लॉगिन करेंगे, इसके बाद माई डॉक्यूमेंट में जाएंगे और उसमें आप इधर फार्म 16 पे क्लिक करके अपना फार्म 16 डाउनलोड करेंगे। ये मैंने कल 20 तारीख को चेक किया था, तब तक नहीं आया था, आज सुबह हो सकता है आना शुरू हो गया हो, तो फार्म 16 अपना अपना डाउनलोड कर लें। बात कर लेते हैं, एक और बड़ी अपडेट है, जिला स्तरीय पूर्व सैनिक रैली रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है और बता दें ये दो राज्यों में आयोजित किया जा रहा है, एक तो मध्य प्रदेश गुना जिले में जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू से, जिला सैनिक बोर्ड की तरफ से ये मेला आयोजित किया जा रहा है। इसमें बता दें जिला सैनिक कल्याण गुना कैप्टन महावीर सिंह सिसोदिया ने ये जानकारी दी है कि सभी पूर्व सैनिक जो भी मध्य प्रदेश के हैं उसका फायदा उठाएं। 20 जून को ये नोटिस जारी हुआ है और बता दें इसके लिए जो तारीख दी है, इसकी तारीख दी है 24 तारीख को, 26 जून को बुधवार को गुने में जिला सैनिक बोर्ड की तरफ से मेला आयोजित किया जाएगा। इसका एड्रेस भी दिया है, अम्बेडकर चौराहा गायत्री मंदिर के सामने ये विदाई गार्डन में ये आयोजित किया जाएगा। दूसरा जो जॉब फेयर है वो हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में आयोजित किया जाएगा, जो भी पूर्व सैनिक गाजियाबाद या आसपास के जाना चाहें उत्तर प्रदेश के वो जा सकते हैं, दिल्ली के भी जा सकते हैं आसपास के, क्योंकि ये अलग अलग कंपनियां 40 कंपनियां आती हैं जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू, ये DGR के थ्रू ये जॉब फेयर आयोजित किया जाएगा, ये सरकार ने प्रेस रिलीज भी जारी की है। इसके बाद ये DGR का जो फेयर होगा 7:00 सुबह आपको पहुंचना है 21 जून, यानी कि आज ही ये 21 जून को जॉब फेयर आयोजित किया जाएगा। बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट, पूर्व सैनिक विधवा को 18 साल बाद पेंशन मिली और साथ में लगभग 25 लाख का एरियर। बता दें जिला सैनिक विभाग की तरफ से काफ़ी बड़े प्रयास किए गए और 18 साल बाद पेंशन मिली है और बता दें ये मामला जो सामने आया है, ये एक पेंशनर्स थे, उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद उनकी फैमिली को ये जानकारी नहीं थी कि पेंशन कैसे चालू रखी जाए, कैसे पेंशन फैमिली पेंशन को कन्वर्ट किया जाए, उसके बाद उनकी पेंशन बंद हो गई थी। बता दें एक साल तक तो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट थी, इसलिए एक साल तक तो उनकी पेंशन आती रही और फुल पेंशन आती रही, लेकिन ये जानकारी जब जिला सैनिक बोर्ड को रिकॉर्ड को नहीं हुई तो फैमिली पेंशन इनकी बंद हो गई थी। 18 साल बाद अब इनको फैमिली पेंशन मिली है, क्योंकि इसमें कई डॉक्यूमेंट का काम हो जाता है, अगर आप लेट कर देंगे तो आपको फिर काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो जो भी फैमिली विडो हैं उनको ये पता होना चाहिए कि कैसे फैमिली पेंशन चालू होती है। आपका डेथ सर्टिफिकेट पूर्व सैनिक की लगती है तो डेथ सर्टिफिकेट पहले से ही बनवा के रखें। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज बांकुरा में वैकेंसी निकली हुई है, जो कि वैकेंसी है 24/6/2024 तक इसके फॉर्म भरे जा सकते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है, जिसमें एक्स सर्विसमैन के लिए अलग कोटा दिया हुआ है, एक्स सर्विसमैन SC ST OBC जो भी एक्स सर्विसमैन है उसी कोटे में रिजर्वेशन मिलेगा। नाइट वॉचमैन गार्ड की वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन का इसमें भी कोटा है। ये वैकेंसी 24/6/2024 तक इसके फॉर्म भरे जा सकते हैं और जो भी बनकुरा के आसपास के हैं वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा मौका है। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।